जनपद में अक्षय तृतीया पर महिलाओं ने सोने के आभूषण की जमकर खरीदारी की, जिसके संबंध में एस्ट्रा के डायरेक्टर अतुल सर्राफ ने बताया कि अक्षय तृतीया पर घर में जो भी चीजें आती हैं वह अक्षय होती हैं और घर में धन व संपत्ति को बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा, जहां से भी खरीदें शुद्ध सामान खरीदें। आज के दिन की लोग पहले से तैयारी करते हैं, इसलिए कुछ लोग आज खरीदते हैं और कुछ लोग कल खरीदेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एस्ट्रा के डायरेक्टर अतुल सर्राफ नागरिक सुरभि अग्रहरी ने कहा, अक्षय तृतीया को यही बेसिकली होता है, शुभ होता है, लक्ष्मी जी को घर में लोग ले जाते हैं, प्रवेश कराते हैं और अपने धन की बढ़ोतरी करते हैं, ऐसा शुभ माना जाता है। लोग अपने सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, पूजा करते हैं और सोचते हैं कि मेरे घर में धन की वर्षा हो। हमने चेन खरीदा है, लॉकेट खरीदा है ऐसा, फिर और नाक का नथ खरीदा है, बहुत अच्छा लगा खरीद के। सूर्य अग्रहरी खरीदते हैं, शुभ मानते हैं, शुभ रहता है तभी ना लोग खरीदते हैं, कितने लोग को नहीं मालूम है। काफी भीड़ भाड़ होती है आज के दिन, क्योंकि अधिकतर लोग देख रहे हैं। हाँ, अधिकतर लोग आ रहे हैं, सब कोई खरीदता है, तो आज हम लोग सुबह ही आ गए कि जल्दी से खरीद के फिर खरीदारी। कल भी शॉपिंग किया लेकिन आज भी खरीदा, क्योंकि आज शुभ माना जाता है, कल तो भी खरीदा लेकिन आज खरीदना शुभ माना जाता है। सबसे पहली बात अक्षय तृतीया की गोरखपुर नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया जैसे नाम से ही है अक्षय, तो आज के दिन घर में जो भी चीज़ें आती हैं वो अक्षय होती हैं। तो सोना चांदी हीरा यह सब एक संपन्नता की निशानी है, तो आज के दिन खरीदा हुआ वो अक्षय बनकर हमेशा धन और संपत्ति को बढ़ाता है, इसीलिए इस दिन का महत्व है और लोग इसको मानते हैं। और ख़ास बात इस बात जो ध्यान देने की है कि आप जो चीज़ लाएंगे वही अक्षय होगा, तो घर में शुद्ध लाएँ, हॉलमार्क देख के लाएँ, पक्की रसीद अवश्य लें, और आपका अधिकार है कि आप जहाँ से खरीद रहे हैं वहाँ पर कैरेट मीटर पर अपनी शुद्धता को जांची भी करा सकते हैं। इसलिए आपकी अक्षय तृतीया तय करें कि अशुद्धता को हटा के शुद्ध चीज़ें लाए घर में, हॉलमार्क ले, पक्की रसीद ले, बायबैक गारंटी के साथ। आज के दिन लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और आज के दिन के साथ साथ लोग एक हफ्ता 10 दिन पहले से तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग पहले से सामान छांट के किनारे रख के जाते हैं, आज आएंगे सामान ले के जाएंगे। और अक्षय तृतीया आपकी बार 22-23 दोनों दिन है, तो अक्षय तृतीया को लोग बहुत आराम से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दो दिन होने से भी लोगों को काफ़ी सुविधा है। कुछ लोग आज खरीदेंगे, कुछ लोग कल शॉपिंग करेंगे।